टुडे वी डिस्कस सेकेंड पार्ट ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें मैंने रिएक्शंस सारे बता दिए थे और ये सेकेंड पार्ट जो होगा इसमें मैं प्रिपरेशंस की बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सेकेंड चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आइए हम एक एक करके उन कंपाउंड्स का प्रिपरेशंस और कुछ जनरल यूज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन में NaOH का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। किसका? NaOH बहुत ही कॉमन बेस है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेचर की बात करें तो बेसिक नेचर का होता है। प्रिपरेशंस जिस टेक्निक से की जाती है उस टेक्निक का नाम है क्लोर एल्कली मेथड। टेक्निक का क्या नाम है? क्लोर एल्कली मेथड। इसमें ब्राइन का यूज करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि ब्राइन क्या होता है। NaCl प्लस H2O, NaCl और H2O का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ब्राइन। NaCl और H2O का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, माने सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आइए हम थोड़ा जान लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते क्या हैं। एक्चुअल में सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, मान लीजिए कि आपने 100 ml वाटर लिया है और उसमें तब तक चीनी को डिजॉल्व कर रहे हैं जब तक कि उसमें चीनी डिजॉल्व होना बंद नहीं हो जा रहा है। और इसको हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो ये बन जाता है हमारा NaOH H2 प्लस Cl2। यूज की बात करें तो ये बेसिक नेचर्स का होता है और PVC बनाने में यूज की बात करें तो PVC बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा सोप, डिटर्जेंट और बहुत तरह के वायरस कंपाउंड्स लैबोरेट्री में बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका यूज की बात करें H2O, तो इसको हम रॉकेट फ्यूल्स में यूज करते हैं, फ्यूल्स में यूज करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन का यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बनाने में भी किया जाता है और इसके बहुत सारे यूजेज हैं जो आप बुक से देख सकते हैं। ये कॉमन यूजेज हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन। क्लियर? एक बार मैं क्विक रिव्यू कर देता हूँ इसके बारे में। मेथड का नाम है क्लोर एल्कली मेथड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl H2O को ब्राइन बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस होता है, NaOH हमारा प्रिपेयर हो जाता है। यूजेज की बात करें तो PVC बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, इसके अलावा आर्टिफिशियल्स प्लास्टिक्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला सबसे पहले जान लेते हैं। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इज इन क्लियर? इसका केमिकल नेम जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे प्रिपेयर करते हैं?
वन स्टेप सिंगल स्टेप में ये प्रिपेयर हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर आप इससे परिचित होंगे, यह एक बेस है और इसको हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बदल जाता है CaOCl2+H2O में। तो इस तरह से हमारा ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन्स होता है। कहाँ यूज करते हैं, यूजेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका, क्लॉथ इंडस्ट्रीज में, लाउंड्रीज में यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ध्यान रहे किसमें, वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज ब्रॉडली किया जाता है, क्लॉथ इंडस्ट्रीज में इसका यूज ब्रॉडली किया जाता है। तो ये था ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में, तो इतना आप नोट डाउन कर लें, फिर हम बात करेंगे एक कंपाउंड के बारे में। उसका नाम है क्या, जिसको ब्रेड में यूज करते हैं, किचन्स में यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिखता हूँ। कॉमनली आप परिचित होंगे किचन्स में यूज होता है, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कुछ लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इजन क्लियर। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज कहाँ पे किया जाता है, बेकिंग पाउडर इसका नाम है जनरल, बेकिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका नाम है। प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत है NaCl, H2O, CO2 प्लस NH3, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को लेते हैं, तो ये हमारा प्रिपेयर हो जाता है NaHCO3+NH4Cl। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है। यूजेज की बात करें तो दो इसके मेजर यूज हैं, एक एंटा एसिड्स में यूज करते हैं, एंटा एसिड्स क्या होते हैं, एंटा एसिड्स ऐसे केमिकल्स जिनको एसिडिटी कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। ह्यूमंस में जो स्टमक में एसिडिटी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड, हमारे जो स्टमक से कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है HCLs का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटा एसिड्स टैबलेट्स या लिक्विड्स के फॉर्म में डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है। तो एंटा एसिड मेडिसिंस है जो एसिडिटी को कंट्रोल करती है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्यूशिंग में इसका यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्यूशिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा
इसका यूज हम करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्रीज में, जहां ब्रेड बनते हैं, बिस्किट्स बनते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज या बेकरी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। अब हम बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशंस के बारे में। वॉशिंग सोडा जो क्लॉथ के वॉशिंग्स में यूज किए जाते हैं, उनके बारे में हम एक बार डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला देख लेते हैं। NaHCO3 इसको सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है। प्रोसेस का क्या नाम है? सॉल्वे प्रोसेस। तो पहला स्टेप, अगर आप लोगों को बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन याद है तो उसका पहला जो रिएक्शन होता है वही पहला रिएक्शन सिम इसमें हमें कॉपी कर देना होता है, और इसका जो मेजर प्रोडक्ट ये बन रहा है इसको हमें फिर इसके नीचे नोट डाउन करना होता है। NaHCO3 को हीट कर देते हैं। हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O में, और इसी CO2 के प्रोडक्शन के वजह से यह फायर एक्सटिंग्यूशिंग का काम भी करता है। फिर क्या करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप एंड देन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम देख लेते हैं कि क्या है। Na2CO3 प्लस 10H2O जब इसको हम हाइड्रेट कर देते हैं तो ये हमारा देता है Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये है मल्टीपल स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो प्रिपरेशंस में आपको जनरली बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है इससे रिलेटेड। प्रिपरेशन में फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे जरूर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान से पढ़ लें। इससे 101% इससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब हम एक और प्रिपरेशन हमारा बचता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको नोट डाउन कर लें आप फटाफट। इसके बाद हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? POP के नाम से हम इसको जानते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। बहुत ही आसान इसका प्रिपरेशंस है। तो प्रिपरेशंस की बात कर लेते हैं। इसको हम जिप्सम से बनाते हैं, CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O और इसको हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंट्रोल्ड होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स। अगर 100 से अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हमारा प्रोडक्ट जो हम वांटेड है, हमारा प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगा। CaSO4
हाफ एच टू ओ, और वह यहाँ से कितना निकला है, वन एंड हाफ एच टू ओ। कहाँ पे यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? वॉल फिनिशिंग, वॉल डिजाइनिंग, स्मूथनिंग, स्टैचू डिजाइनिंग, मेडिकल्स में। ब्रोन फ्रैक्चर्स में। और ये वाइट कलर का पाउडर होता है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है और इसी को हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और ये हमारा जिप्सम है। जिप्सम ये एक पत्थर है जो पेरिस में पाया जाता है मैक्सिमम अमाउंट में, इसीलिए इसके नाम को हम, और इसको हम कभी भी मॉइस्चर्ड कंडीशन में नहीं रख सकते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि क्यों हम इसको अनमॉइस्चर कंडीशन में नहीं रख सकते, मॉइस्चर वाले एरिया में नहीं रख सकते हैं। अगर इसको मॉइस्चर वाले एरिया में रखा जाएगा तो ये तुरंत एटमॉस्फेयर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये तुरंत रिएक्शन बैक हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा जिप्सम में। तो ये रिएक्शन हीट करते हैं तो जिप्सम से पीओपी बन जाता है। अगर पीओपी में वाटर कहीं से मिल जाए तो ये बैक होके जिप्सम भी बना लेता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन रिवर्स भी हो जाएगा अगर मॉइस्चर वाला कंडीशन हो जाए तो। तो इस तरह से आपका सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है।